सभी हमारे जिला अध्यक्ष प्रभाकर मात्रे जी, प्रशांत पालेड़न जी, हमारे सभी नगर सेवक कमलेश दादा, परशुराम जी, हमारे पाकी के सभी पदाधिकारी और सोसाइटी के सभी पदाधिकारी को आज के दिन यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैंने अभी अभी सोनावनी जी से कहा कि हमने ये रजिस्ट्रेशन बंद नहीं किया होता तो शायद हॉल इससे ज़्यादा भरा होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ऐसे ही आए हो, इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज़ की रियल में ज़रूरत है। यहाँ जितने आए हैं मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी की कमाई जिस फ्लैट में डाली है। ज़्यादातर लोग यहाँ सर्विस वाले हैं, सुबह अपनी अपनी सर्विस के लिए ट्रेन से निकल के रात को थके हारे घर पे आने के बाद जब और कुछ नहीं मालूम होता है, लेकिन 30-40 साल जूनी बिल्डिंग में रहने के बाद मालूम ये होता है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी जिसको अपना घर अपना आशियाना समझा था, इस बिल्डिंग को टूटने के बाद वो आशियाना हमारा नहीं रहने वाला। और उसी की चिंता को दूर करने के लिए आप सब यहाँ है और हम सब भी यहाँ है। ये आपका हक है। ज़रूर कुछ बिल्डर आज भी ऐसा कर रहे हैं। मोफा एक्ट भी निकला है। इस एक्ट के तहत बिल्डर ने सोसाइटी फॉर्म होने के बाद 4 महीने के अंदर आपको कन्वेंस करके देना है, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर यहाँ बैठे हैं उनका कन्वेंस बिल्डर ने नहीं करके दिया है और उसके बावजूद उन पर मोफा एक्ट भी नहीं लगा है। तो क्या किया जाए? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बाकी रह जाता है, डीम कन्वेंस। और ये आपका हक है, आपके हक को आपके तक पहुंचाना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा कि हमें ये सब पेपर आप जब मांगते हैं, 30-40 साल पुराने बिल्डिंग के लिए जब आप पेपर मांगते हैं, हम 30 साल पहले इस बिल्डिंग में रहने आए, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पेपर क्या काफ़ी नहीं है कि हमें डीम कन्वेंस उसी पेपर पे दे दिया जाए? क्यों प्रक्रियाएं सरल नहीं हो सकती? और ये बात मैंने आज नहीं कही थी, 2012 से मैं ये कहते आ रही हूँ। और सहकार मंत्री जब हमारे यहाँ क्षेत्र में DDR की ओपनिंग के लिए आए थे तब भी मैंने ये मांग रखी थी कि अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड 30 साल से उस जगह पे खड़ी है तो हमें डीम कन्वेंस अपने आप क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं ऐसा कायदा कोई बन जाता है? उसके बाद आप इतनी सारी प्रक्रियाएँ बताते हैं, आपको साखरी जी ने प्रक्रियाएँ बताई, उसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन फिलहाल हमें हमारे साथ जो भी कायदे हैं उसको फॉलो करते हुए डीम कन्वेंस करना है। जैसे ही मैंने डीम कन्वेंस के लिए ये विशेष मुहिम है ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाई, वैसे ही लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। कोई 5,000 मांग रहे, कोई 6,000 मांग रहे, कोई 10,000 मांग रहे। उस अफवाहों पे आपने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हैं। दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको वायदा करती हूँ कि मीरा भाईंदर की जब तक एक एक सोसाइटी कन्वेंस नहीं हो जाती तब तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। डीम कन्वेंस की प्रक्रिया वैसे बहुत जटिल लगती है। 7 पेपर लिस्ट में है, सिर्फ 7, और वो 7 पेपर भी हमारे पास नहीं है। सही है, ज्यादातर सोसाइटियों का ये अनुभव है। नहीं, मैं मानती हूं कि थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा UIC और स्टेट इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं उसकी वजह से ये समस्याएं और जटिल हो गई हैं। हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सरल कैसे कर सकें उसका प्रयत्न रहेंगे। किसी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस प्रक्रिया के हर एक पेपर को तैयार करने के लिए यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ बैठी है और आप सभी को वायदा दे रहे हैं कि आपके डीम कन्वेंस की प्रक्रिया में जो भी रुकावटें आएगी वो हमारे विचारे जी और हमारे पालक मंत्री और आज के सबसे लोक लाडिले हमारे CM उद्धव जी इस सभी प्रक्रिया को सरल करने में आप सबके साथ है। 7 पेपर, 21 थे पहले,
हमारी इतने साल की लड़ाई में, मैं आपको बोलूं, मैंने सबसे पहला कन्वेंस 2012 में भाईंदर वेस्ट की हेमा कुंज नाम की एक बिल्डिंग को कराया था। उसके बाद मैंने 3-4 साल काफ़ी लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, वो बिल्डिंग टूटने वाली थी इसलिए उन्होंने कर दिया। उसके बाद काफ़ी प्रयत्न किया, लोगों को समझाया कि बाबा आपको टीम कन्वेंस किया, कन्वेंस कितना ज़रूरी है। भाईंदर वेस्ट में ज़्यादातर बिल्डिंग है, मैंने आज दिन तक 903 बिल्डिंग, यानी वो पहला 2012 का, आज 2020 903 बिल्डिंग मेरे खाते में कन्वेंस कराई हुई है। मुझे लगता है, शायद आपको ये मेरा अचीवमेंट लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत कम है और बहुत कम होने का मुझे दुख है। ये कम से कम 5,000 होने चाहिए थे। हमारे यहाँ सोसाइटियाँ 10,800 से कुछ ऊपर रजिस्टर्ड है, सिर्फ 1,000 के ऊपर ही कुछ अभी तक कन्वेंस हुआ है, उसमें से 900 मेरे हाथ हुई है। 9,000 सोसाइटियाँ अभी भी कन्वेंस होना बाकी है। अभी पुरानी बिल्डिंगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि नया DCR रूल जो आया है उससे आपके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और अगर सभी लोग मिलके एक साथ करेंगे तो क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए भी आपको बहुत सुंदर फ़ायदा मिलेगा। मैं आज डेवलपमेंट के बारे में नहीं ज़्यादा बोलूँगी, ये सिर्फ आपके माइंड में रहे इसलिए 2 वाक्य कहे हैं, ताकि पुरानी बिल्डिंग वाले जल्दी से जल्दी अपनी कन्वेंस की प्रक्रिया पूरी कर पाए। क्योंकि बिल्डर्स जानबूझ के कुछ अड़चने पैदा कर रहे हैं, हम उन बिल्डिंगों के लिए आज यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले यहाँ बैठे लोगों को लगता है, आज मैं सबसे पहले बोलने ही इसलिए उठी हूँ, मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं, क्योंकि कन्वेंस का काम यहाँ 2012 से मेरे हाथों हो रहा है, इसलिए बिना प्रोटोकॉल के आज मैं यहाँ आपके समक्ष हमारे यहाँ की जो मजबूरियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके समक्ष रखती हूँ। मैंने सोनामनी जी से तो बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली और हम उसका रास्ता भी निकालेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमारा 7/12 चेंज करने के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट की NOC चाहिए और वहाँ एक बहुत बड़ी रकम खर्च हो जाती है। अभी कोर्ट केस होने की वजह से हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा रेट कम करा के EMI में कर दिया है, यानी आप हफ्ते में भी 6-7 हफ्ते में भी अगर स्टेट इन्वेस्टमेंट क्लियर करा पाते हैं तो वो पहले हफ्ते भरते ही आपको NOC दे देंगे। दूसरा इसका एक कारण ये भी है कि जब आप रीडेवलपमेंट में जाते हैं और कोई बिल्डर आपको मिलता है तो वो खर्च आपके सर पे ना हो और वो सभी चीज़ें बिल्डर वहन कर सके, इसलिए मैंने ये सुविधा आप सब लोगों के लिए यहाँ कराई है। तो आप अब ये ना सोचें कि हम स्टेट इन्वेस्टमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर हमारे साथ क्या हुआ है, जैसे ही स्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है हमारे कदम पीछे पड़ जाते हैं। तो आज आपको ये अश्योरेंस है कि आप सिर्फ कोई भी एक हफ्ता यानी उसका 10% भर के भी आप स्टेट इन्वेस्टमेंट का क्लियरेंस पाके आपका कन्वेंस करा सकते हैं। जैसे कि मैडम ने तो सब कुछ आपको बता ही दिया है, हमें सिर्फ हाँ कहना बाकी है, क्योंकि इस मुहिम को मैडम ने और आपने मिला के जितना सीरियसली लिया है, क्योंकि जो उपस्थिति मैं देख रहा हूँ ये इसका प्रमाण है कि आपने ये मुहिम काफ़ी सीरियसली ली हुई, और आप सभी चाहते हैं कि आप अपने अपने सोसाइटी का कन्वेंस हो। अच्छा, एक बात जैसे मैडम ने बताई कि ये मुहिम सिर्फ 1 से 15 तक ही सीमित नहीं है, ये मुहिम उसके आगे भी चलने वाली है। 1 से 15 में सिर्फ जन जागृति हो, ये इसका मूल उद्देश्य है कि जो सोई हुई हमारी आवाम है, जनता है सोसाइटी में, जिनको ऐसे लग रहा है कि भैया मैंने फ्लैट ले लिया है, बस अभी ये मेरे फ्लैट हो गया है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, तो उनके लिए खास करके ये जन जागृति मुहिम है कि सिर्फ फ्लैट खरीदना ही आपका जो टाइटल है फ्लैट में वो अंतिम नहीं है। जब तक वो जमीन आपके सोसाइटी के नाम पे नहीं हो जाती तब तक वो फ्लैट लेना वो कोई मायने रखता नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर कल को
भगवान ने जाने अगर कोई भूचाल आ गया, कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया और अपनी बिल्डिंग गिर गई, तो आपको वापस वो बिल्डर प्रमोटर के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन आपके सोसाइटी के नाम पे नहीं है। कि आपकी ज़मीन अगर आपके सोसाइटी के नाम पे हो गई तो आपको रिडेवलपमेंट के लिए बहुत सुविधा हो सकती है। आपको FSI TDR उस पर लोड कर सकते हैं। कायदा बहुत सुस्पष्ट है, महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट एक्ट 1963 में ये कायदा बना है। उसमें यह स्पष्ट है कि कोई भी बिल्डर अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद 4 महीने के अंदर उसने सोसाइटी बनाना है या फिर अपार्टमेंट बनाना है या फिर कंपनी बनाना है। ज़्यादातर बिल्डर्स सोसाइटी बनाते हैं और कुछ लोग अपार्टमेंट बनाते हैं, कंपनी तो कोई बनाता नहीं। अच्छा, ये सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद में उसके 4 महीने के अंदर उसका कन्वेंस कर देना चाहिए। ये कायदे में बिल्डर के ऊपर डाला हुआ एक जवाबदारी है। अगर ऐसा कोई बिल्डर है ये करता नहीं है, उसकी जवाबदारी निभाता नहीं है, तो उसकी जो जिम्मेदारी है बिल्डर की वो अगर निभाता नहीं है तो फिर आप सेक्शन 11 के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हूँ, तो मेरे ऑफिस में आप एक अर्जी कर सकते हैं। अर्जी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए, साकरे साहब ने आपको ऑलरेडी बताया कौन से डॉक्यूमेंट्स है, वो अर्जी करके फिर उसमें सुनावनी होती है और फिर ऑर्डर पास हो जाता है। अच्छा, एक पति की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। ये बिल्डर जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी अगर निभाते नहीं है, ये जो मैंने आपको बताया 4 महीने के अंदर सोसाइटी फॉर्मेशन के, तो आप सेक्शन 13 के अंडर उसके ऊपर क्रिमिनल FIR दाखिल कर सकते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि जो बिल्डर लोगों ने किया नहीं है, आप सामने आइए, प्रस्ताव दीजिए, हम उस पर, जैसे मैडम ने बताया रिजेक्शन का, तो मैं आज खुलेआम से बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना गवाही दे सकता हूँ कि मैं 99.99% आपके रिजेक्शन नहीं करूँगा। 0.01% सिर्फ लीगल बेसिस पे अगर कुछ हुआ, कोई मैटर रहा कोर्ट में या ऐसा कुछ रहेगा, तो पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोसेस फास्ट होने के लिए मैडम जी ने जैसे एक सूचना की थी कि मीरा भाईंदर का हमारा जो डिप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ पर अगर सुनवाई हो सकती है तो इसकी मैं पहल करूँगा और ज़रूर आपको आश्वासन कर दूंगा कि एक दिन, हफ्ते का एक दिन सिर्फ मीरा भाईंदर के सोसाइटी का डीम कन्वेंस का हियरिंग इधर लूंगा मैं, क्योंकि थाना के ऑफिस में आप सभी लोगों को आने के बजाय मैं अकेला अगर आ गया तो आपको भी उसकी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी सुविधा हो जाएगी। लेकिन मैं यही आश्वासन चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले और आपके सोसाइटी का कन्वेंस कर ले, तो ही मैं आऊँगा। अगर रिस्पॉन्स कम आया तो फिर मैं वापस मेरे ऑफिस चला जाऊँगा और आपको वहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि मन में तो ऐसा है कि भैया सिर्फ एप्लीकेशन दे के जाओ और कन्वेंस लेके आओ, ऐसा नहीं है। तो ये जन जागृति की मुहिम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग ले, यही एक उद्देश्य है। अच्छा, तीसरी बात ऐसी है कि आपको जो कागज़ में दिक्कत आती है, जो मेन कागज है आपका, मैं ढोले साहब से वही बता रहा था कि आपका सेंक्शन लेआउट, बिल्डिंग प्लान जो है आपका सोसाइटी का, जो पुरानी सोसाइटी है मीरा भाईंदर का, मैंने ऐसे देखा है मैडम कि इनके काफ़ी केसेस में ये प्लान नहीं रहता है। ऐसा है कि अगर प्लान नहीं है, CC भी नहीं है, तो इसके बारे में हम जरा मैं ढोले साहब से बाद में एक विचार विमर्श करूँगा, क्योंकि अगर प्लान नहीं है तो CC तो भी होनी चाहिए। उसी की छोड़ दो, उसी की तो हमने आपसे एक एग्रीमेंट करवा लेते, हम घोषणा पत्र करवा लेते, तो उसकी दिक्कत हमने 2018 के GR में निकल दी। और मैं, मुझे इस बात की ये थोड़ा सा फक्र ऐसे महसूस होता है कि 2000 का जो 18 का GR निकाला गया है वो आपका कन्वेंस होने के बाद में भी आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी प्रोसीजर हो सकती है। उसी की वजह से किसी का भी कन्वेंस रुकेगा नहीं, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन CC और प्लान अगर नहीं है तो इसका हम प्लानिंग अथॉरिटी से थोड़ा सा लीगली थोड़ा विचार विमर्श करके उसमें कुछ वे आउट निकलता है कि वो देखेंगे। हालांकि आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या हो जाता है
कि अगर एक लेआउट बड़ा है और एक से ज़्यादा सोसाइटी है उसमें, तो फिर सोसाइटी तो एरिया मांगते और सब एरिया मांग लेती, लेकिन उनका एलिजिबल एरिया बहुत कम रहता है। तो इसके लिए आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट को हम तीन तरीके से उनको एरिया दे सकते हैं, या तो प्रोपोर्शनेट एरिया निकाल सकते हैं उसका, या फिर प्लिंथ एरिया पे दे सकते हैं, या फिर ग्राउंड कवरेज पे दे सकते हैं। तो तीनों तरीकों से आपको लैंड का कन्वे हो सकता है बड़े लेआउट में, इसलिए वहाँ पे आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप ये लोगों को जब भी कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो हमारे नंबर्स, हमारे ऑफिस के जो मीरा भाईंदर का ऑफिस है, ये नंबर्स भी आपको मैंने हमारे पब्लिश किए हुए हैं नोटिस न्यूज़पेपर में दिए। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो ऑफिस में आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी प्रस्ताव अगर देंगे तो हम भी उस पर सुनवाई लेके 2 से 3 महीने तक, महीने के अंदर मैं आपको कन्वेंस का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है डीम कन्वेंस रजिस्ट्रेशन करने के बारे में जो दिक्कतें आती है उसके बारे में, जहाँ तक कॉरपोरेशन का रोल है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, उसके अंदर जो मैडम ने बहुत ढेर सारी बातें कवर कर दी है। जहाँ तक कॉरपोरेशन का रोल है, उसके लिए जो कॉरपोरेशन में आने वाली दिक्कत है वो रेगुलराइज करके ज़्यादा से ज़्यादा ईजीली सभी सोसाइटी को कॉरपोरेशन की तरफ से ईजीली राहत मिलेगा, वो हिसाब से कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रयास करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से मैं आपको वही देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। बाकी जो काम है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, सोनोने साहब का, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज से लेकर 15 जनवरी तक का, उसके अंदर जो जो सोसाइटीज है और आने वाले 6 महीने में सभी प्रोसीजर पूरा करना है, उसके लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो सहयोग लगेगा वो कॉरपोरेशन प्रशासन की तरफ से कर देगा। इतना बोल के आपको सबको शुभकामनाएं देके मेरा बात खत्म करता हूं। थैंक यू।